then I shall be able to tell you the correct number of drops of water in the sea. सी का मतलब होता है समुद्र. करेक्ट नंबर सही अंक. ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदे. ओनली केवल. I shall be able to tell you तभी बता पाऊँगा. मैं केवल तभी सही संख्या बता पाऊँगा कि समुद्र में पानी की कितनी बूंदें होंगी. द कैलिफ हियर द आंसर एंड बिकम स्पीचलेस. हियर सुनना, बिकम बनना स्पीचलेस, चुप रह जाना. उत्तराधिकारी उसका उत्तर सुनकर कुछ नहीं बोल पाया. देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन. आस्क्ड कहा, अनदर अन्य, और क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन. फिर उसने उससे अन्य पर्सन कहा. वेल का मतलब होता है अच्छा. टेल मी हाउ मैनी हेयर आर देयर ऑन द बॉडी ऑफ द बियर. बियर का मतलब होता है भालू. बॉडी शरीर, हेयर बाल. हाउ मैनी कितने. टेल मी मुझे बताओ. मुझे बताओ कि भालू के शरीर में कितने बाल हैं. द क्लाउन थॉट फॉर ए वाइल. वाइल का मतलब होता है जबकि या क्षण भर के लिए. थॉट का मतलब होता है सोचा. विदूषक ने क्षण भर के लिए सोचा. देन ही आस्क्ड द कैलिफ टू सिट अंडर द स्काई. आस्क्ड का मतलब कहा. कैलिफ उत्तराधिकारी. सिट अंडर द स्काई आसमान के नीचे बैठें. फिर उसने उत्तराधिकारी से कहा कि आप कुछ समय आसमान के नीचे बैठें. द कैलिफ फॉलोवर्ड हिम. कैलिफ उत्तराधिकारी फॉलोवर्ड पीछा किया हिम उसका. उत्तराधिकारी ने उसका पीछा किया. द क्लाउन शोड हिम द स्काई फुल ऑफ स्टार. स्काई फुल ऑफ स्टार का मतलब होता है सितारों से भरा हुआ आकाश. शोड दिखाया. फिर उसने उसको सितारों से भरा हुआ आकाश दिखाया. ही सैड उसने कहा. सर देयर आर मैनी हेयर ऑन ए बियर्स बॉडी. बियर्स बॉडी का मतलब होता है भालू का शरीर. उसने कहा सर भालू के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं. एज देयर द स्टार्स इन द स्काई. जैसे कि आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं. द कैलिफ वाज स्पीचलेस. कैलिफ होता है क्या होता है उत्तराधिकारी. मैं फिर से चुप हो गया. बट टू कंटिन्यू द फन. कंटिन्यू का मतलब जारी रखना. लेकिन उन्होंने अपनी हंसी और मजाक है वो जारी रखे. ही पुट हिज नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट का मतलब होता है दूसरा. एंड उसने उससे दूसरा क्वेश्चन किया. हाउ लॉन्ग इज वन सेकेंड टू एटर्निटी. एटर्निटी का मतलब होता है अंतकाल. लॉन्ग का मतलब लंबा या बड़ा. अंतकाल तक एक सेकेंड में कितना लंबा हो गया होता है. द क्लाउन नेव. नेव का मतलब होता है जानता था. क्लाउन विदूषक. विदूषक जानता था दैट द कैलिफ. कैलिफ उत्तराधिकारी वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम. कैचिंग का होता है झूठ पकड़ना. तो विदूषक जानता था कि उत्तराधिकारी है वह उसे पकड़ना चाहता था. सो ही स्माइल. उसने स्माइल की एंड रिप्लाइड. रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना. और उत्तर दिया दैट एज हाई एज द स्टार्स इन द स्काई. हाई मतलब उच्च स्तर. जितने ऊंचे सितारे आकाश में हैं. वंस इन एवरी हंड्रेड ईयर्स. एवरी का मतलब हर हंड्रेड सो और ईयर्स साल. एक बार सौ सालों में. ये फ्लाई. फ्लाई का मतलब होता है मक्खी. गोज गई. राउंड चक्कर लगाना. द इंटायर माउंटेन. इंटायर माउंटेन होता है पहाड़ के चारों तरफ. एक मक्खी पहाड़ के चारों तरफ चक्कर लगाती है. दिस द फ्लाई डज इन वन सेकेंड ऑफ एटर्निटी. एटर्निटी होता है अंतकाल. तो वह मक्खी अंतकाल में एक सेकेंड का ही समय लेती है. नाउ द कैप्टन वाज स्पी. नाउ द कैलिफ वाज स्पीचलेस. नाव का मतलब होता है अब. कैलिफ वाज स्पीचलेस. उत्तराधिकारी दोबारा से चुप हो गया. ही न्यू दैट. वह जानता था. इट वाज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन. वह जानता था कि यह नामुमकिन है. टू बीट. बीट का एक अर्थ होता है डिफीट. एंड डिफीट की हिंदी मीनिंग होती है हराना. द क्लाउन विदूषक इन हिज वीट. वीट का मतलब होता है बुद्धि. जो उत्तराधिकारी था वह जानता था कि विदूषक को हराना
बहुत ही नामुमकिन है या उसकी बुद्धि को हराना बहुत ही मुश्किल है।